Assalamu alaikum, this is Zainab Tariq and welcome to another episode of The Talk with Dr. Zainab. Psychological effects of domestic violence. हम लोग बात करते हैं domestic violence के ऊपर कि वो क्या होता है. हम सबको पता है कि domestic violence जी घर में mostly खवातीन के ऊपर जो तशद्दुद होता है, किसी भी फॉर्म का कोई टॉर्चर होता है. It's not only physical abuse, आप उनको बातों से आप टॉर्चर कर रहे हो, जो किसी भी किस्म का उन पर जुल्म हो रहा है. किसी गाँव वगैरह में चले जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट भी ये तो क्या 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 हो गया अगर थोड़ा बहुत मार दिया या कुछ हो गया. उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसके बारे में हम मेरा नहीं ख्याल कोई बात करता है कि उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं. तो एक रिसर्च बताती हूँ मैं आपको छोटी सी. आपको पता है कि दुनिया में इट्स लाइक 20-50% वुमेन, इतनी औरतें जिनसे अगर पूछा जाए तो वो दे आर द विक्टिम्स. उनको उन पर तशद्दुद किया जाता है, कभी एसिड फेंक देना, मार देना, रेप एंड अब्यूज फिजिकल एंड थ्रू वर्ड्स या किसी न किसी तरह करना. दिट्स लाइक ऑलमोस्ट 50 वुमेन. और देर वॉज दिस रिसर्च इन विच 1.5 मिलियन वुमेन उनको इन पे एसिड का अटैक हुआ अराउंड द वर्ल्ड. और लाइक इट वो 80,000 मेन जिनको पता नहीं, जिन पे थोड़ा बहुत कोई तशद्दुद वगैरह होता है. तो द पॉइंट इज़ कि जो औरत होती है उस पर क्या गुजरती है जब आप उसके ऊपर इस तरह का कोई भी अटैक वगैरह कहते हैं. स्टार्टिंग विद आपको जो सुसाइड रेट्स होता है दैट इज़ मच मोर इन वीमेन. लड़कियाँ 50% ज़्यादा सुसाइड करती हैं देन मैन. और जिसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो हमारे यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट है कि लड़की औरत बोल नहीं सकती, उसके ऊपर कुछ गुजर रही है, वो किससे बोले वो बोल नहीं सकती क्योंकि वो भाई उसकी ज़बान ज़्यादा चलती है, या फिर मार दिया तो क्या हो गया, कुछ हो गया तो क्या हो गया, शौहर है कर देता है. जो देर इज़ दिस बिग थिंग विच इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, कि आपके ऊपर से एक प्रॉब्लम होकर गुजर गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने मारा है और वो ख़त्म हो गया. दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो रहता है, सालों साल रहता है और वो आपके जा नहीं पाता आपके जहन से. आप कोई ऐसी हरकत करते हो उसके बाद और लोग कहते हैं कि यार इतनी नॉर्मल सी बात थी, आप इस पर चीख क्यों रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं. वो उस चीज़ का इफेक्ट होता है जो आप 2 साल पहले आपके साथ हुई होती है. तो अगर आपको लगता है कि समथिंग हैपन्स विद एनी गर्ल और उसके बाद वो सही हो जाती है तो इट्स नॉट दैट. देर इज दिस अदर डिजीज विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके दैट इज़ कि आप एक औरत के ऊपर कोई तशद्दुद हो है किसी किस्म का, तो उसके बाद वो उसके साइकोलॉजिकली वो कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है. कि आपने मुझसे कहा होगा कि घर की जो औरतें होती हैं उनके वो कहते हैं कि औरतों की ज़बान ज़्यादा चलती है, जो भरी एज में जाके बीवियाँ होती हैं कि वो चीख रही है ज़्यादा, या फिर मर्द जो है वो एंड में जाकर बीवियाँ बन जाते हैं, या अक्सर होता है कि जी मैं तो अपनी बेगम की बात मानता हूँ ये वो इसलिए होता है क्योंकि जो पूरी जिंदगी औरत बर्दाश्त करती आती है वो एक पॉइंट पर आके इस तरह निकलता है और वो समझ जाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ऐसे क्यों हो गई है, क्यों होंगे, पहले तो नहीं थे वो. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दैट शी इज़ फेसिंग. जो एक और चीज़ है कि हमें पता नहीं कि किस तरह ये कि सिर्फ मारना तशद्दुद इसमें नहीं आता कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आता है. ये छोटी सी चीज़ें जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कहते हो कि देर इज़ 1%, आपके हस्बैंड वाइफ जो होते हैं दे आर 2 पीपल, ये कहते हैं ना कि गाड़ी के 2 पहिए दोनों साथ साथ चलना होता है. तो जो दिस इज़ अ थिंग कि अगर एक बंदा है जो पूरा हाउस होल्ड कंट्रोल कर रहा है, दूसरे बंदा हैज़ नथिंग टू से इन इट विच इज़ मोस्टली वुमेन, तो उस बात का कितना इफेक्ट होता है वो हम लोग को नहीं पता. देन अदर थिंग अबाउट दिस इज़ कि जो औरतें होती हैं उनके साथ मोस्टली ऐसा होता है कि जो हाउस होल्ड में उनका कोई से नहीं होती. आपको दे आइसोलेट देमसेल्स, कि सोशल उनकी गैदरिंग ख़त्म कर देना, आपने इससे नहीं मिलना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में जो आइसोलेट हो जाती हैं, दैट इज़ कि अनदर फैक्टर कि उनके ऊपर होता है आइसोलेशन. एंड देन देर इज़ दिस फैक्ट कि जो औरत होती है उसके आप पूरा आपने देखा होगा पूरा ख़ानदान जो है आप उसको देखना पड़ता है कि इसको भी देखना है सबको देख देख के चलते हुए भी. और जो उसके शौहर से अगर वो लड़की जो है अलैदी की बात करते हैं, चलो लड़का भी अगर इसमें हम बात कर लें, जो दूसरा बंदा है वो किसी तरह उसको ब्लैकमेल करे, टॉर्चर करे, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ इट टू. कि आप अगर आप चाह रहे हो कि आप उस बंदे के साथ नहीं रहना चाह रहे और उस पर टॉर्चर करना या फिर चीज़ें फेंकना, मारना पीटना, किसी को दीवारों में मारना, कुछ अपने वॉलेंट एक्ट शो करना, छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, हमें लगता है कि अगला बंदा ऐसे करे, हम ऐसे ही करें, ऐसे नहीं होता. उसका लाजमी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. अक्सर आपने देखा होगा आप कोई आपके बैक ऑफ द माइंड में कोई गाना चल रहा होता है, ऐसा करके कोई चीज़ चल रही होती है, वो आपको नहीं पता होता कहाँ है. या एक वन मोर थिंग जो आप ख्वाब में देखते हो वो आप
आपको लगता है कि चलो ऐसे ही आ गया, आपको पता है यू कैन नॉट सी अ फेस जो अपने ख्वाब में देखते हो, आपने वो कहीं ना कहीं देखा होता है तो आपके ख्वाब में आते, बिला वजह आपके ख्वाब में कोई चेहरा नहीं आ सकता अनलेस एंड अंटिल आपने अपनी ज़िंदगी में ना देखा हो. तो द पॉइंट इज़ कि साइकोलॉजी जो है उसकी आपकी ज़िंदगी की एक एक चीज़ से जो है ना लिंक्ड है वो. इसको अच्छा बात कहते हैं, प्रॉब्लम्स तो हमें समझ आ गए कि इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस और उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, द पॉइंट द सोल्यूशन जो है इस पर. फर्स्टली मेरा ख्याल है वैसे तो हम हर कोई कहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए ये करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई इतना अच्छा लॉ अब तक पास नहीं हुआ कि जो औरतों को इस चीज़ पर दिलवा सके, हक दिलवा सके कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपने कैसे अपने लिए स्टैंड अप करना है. मेरा ख्याल है ये भी एक पॉइंट है कि औरतें अपने लिए नहीं खड़ी हो पाती हैं. तो आई थिंक कि वन थिंग इज कि हम जो फाइंस और रिवॉर्ड्स, ये साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप किसी को अगर करते हो ना किसी बच्चे को भी, वो इसलिए काम करेगा कि उसको पता है कि अगर ये करूँगा तो इसकी पनिशमेंट होगी या रिवॉर्ड होगी. और ये इफेक्ट जो है घरों में भी होता है कि आप यू कीप अ रिवॉर्ड फॉर इट, कि अगर आप देख रहे हो किसी के ऊपर कोई किसी भी किस्म का कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और आप उसको पुलिस को कॉल कर रहे हो या आप किसी इस तरह की इंस्टीट्यूट को कॉल कर रहे हो जो इसको कंट्रोल कर रही है, तो यू शुड हैव अ रिवॉर्ड फॉर इट. जो हमारे यहाँ पर नहीं होता कि आप रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, बस ठीक है कर दिए चलो है थैंक यू फॉर द हेल्प, एंड पनिशमेंट कि अगर कोई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई देर शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर इट कि आप क्या पनिशमेंट दे रहे हो उस बंदे को. तो इस तरह कोई इसको देख सकता है. जो वन थिंग कि यहाँ पर हमारे नाम इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है जो थेरेपी सेशंस होते हैं, पता नहीं क्यों अब तो है चलो फिर थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन जो थेरेपी सेशंस है उसको इस तरह प्रमोट नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर. तो इस तरह की औरतों के लिए देर शुड बी अ गैदरिंग, जिस तरह अब्रॉड में देर इज दिस गैदरिंग के द वुमेन हु आर प्रेगनेंट, उनकी एक सेशन होता है जिसमें वो जाकर डिस्कस करते हैं कि हाउ यू फील एंड हाउ कैन दे इम्प्रूव इट. इस तरह यहाँ पर भी इस डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपको एक गैदरिंग होनी चाहिए जस्ट फॉर द वुमेन जो अटैक इस अटैक्स का शिकार है, एनी फॉर्म ऑफ इट, ठीक है इसका शिकार है, उसकी गैदरिंग्स होनी चाहिए. और मेरा ख्याल है वी शुड बी ओपन अबाउट इट. हम लोग इस चीज़ को ढक के छुपाना और इस तरह तो मतलब कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला अगर जो है वो ज़ालिम है तो जुल्म सहने वाला भी वैसा ही है कि आप जुल्म सहना गुना उतना ही जितना जुल्म करना है. तो दे ना हमारे इस्लाम में ये है कि आप अपने अगर आप जुल्म हो और किसी भी किस्म का तो आप चुप रहो, और ना ही मेरा ख्याल है हमारे कंट्री में सोसाइटी में इस चीज़ को ऐसा समझा जाता है कि आप उस पर चुप रहो. तो मेरा ख्याल है वुमेन शुड कम आउट एंड दे शुड स्पीक अबाउट इट. आप इस बारे में बताओ, दुनिया को बताओ, किसी भी फॉर्म पे मेक अ वीडियो एंड अपलोड इन सोशल मीडिया. आजकल तो इतना देयर सो मच वॉइस इन सोशल मीडिया कि आप उस पर एक भी वीडियो कर दो तो आपको कितने ज़्यादा लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं. सो देर आर सो मेनी सोल्यूशंस, जस्ट गेट सम गट्स कि आप अपने बारे में बोल सको, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सको. तो मेरा ख्याल है वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन अबाउट इट. तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे अपने आगे किसी भी प्रोग्राम में. नेक्स्ट आप लोग मुझे अपने रिव्यूज़ दें और बताएं समथिंग एल्स यू वांट टू नो अबाउट इट, तो उसके बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में. अल्लाह हाफ़िज़.